हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। प्लीज टेक मार्वेल सेमिस्टर सीरीज जूनियर केजी बुक नंबर 1 एंड ओपन पेज नंबर 73। पेज नंबर 73, यहाँ पर पहले आज की डेट लिखो किड्स। लिखा? यस। व्हाट इज दिस? यस, एम। एम फॉर मैंगोज, एम फॉर मैंगोज, एम फॉर मीना, एम फॉर मीना, एम फॉर मदर, एम फॉर मदर, एम फॉर मैजिशियन, एम फॉर मैजिशियन, एम फॉर मार्केट, एम फॉर मार्केट, एम फॉर मैच बॉक्स, एम फॉर मैच बॉक्स, एम फॉर मंकी, एम फॉर मंकी, एम फॉर मग, एम फॉर मग, एम फॉर मनी, एम फॉर मनी, एम फॉर मैट, एम फॉर मैट, एम फॉर मून, एम फॉर मून। तो बच्चों, आपको ये घर पर रिवाइज करना है। एम फॉर मैंगोज, एम फॉर मीना, एम फॉर मदर, एम फॉर मैजिशियन, एम फॉर मार्केट, एम फॉर मैच बॉक्स, एम फॉर मंकी, एम फॉर मार्बल, एम फॉर मार्बल, एम फॉर मग, एम फॉर मनी, एम फॉर मैट, एम फॉर मून। इस तरह से बच्चों, आपको बोल बोल कर रिवाइज करना है। अब हम पेज टर्न करेंगे। अब हम ये पेज करेंगे, पेज नंबर 74। यहाँ पर पहले आज की डेट लिखो। लिखा किड्स? व्हाट इज दिस? यस, एम फॉर मंकी। तो हम पहले एम पर ट्रेस करेंगे। ओके किड्स, एम फॉर मंकी, एम फॉर मैंगो, एम फॉर मैंगो, एम फॉर मंकी, एम फॉर मैंगो, एम फॉर मंकी, एम फॉर मैंगो, एम फॉर मंकी, 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 एम फॉर मैंगो, 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 एम
तरह से बच्चों आपको बोल बोल के लिखना है। What is this? Yes, mug. M for mug. What is this? Yes, M for mug. M for mug. What is this? Yes, very good children. M for monkey. M for monkey. Okay kids, अब हम पेज नंबर 76 करेंगे। पेज नंबर 76। अब हम यहाँ पर पहले आज की डेट लिखेंगे। लिखा किड्स, हैव फन, कलर द टेल ऑफ आवर नेशनल बर्ड। हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है? यस, पीकॉक। पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है, तो इसमें हम आज कलरिंग करेंगे। ओके किड्स, किड्स अब हम पहले ग्रीन कलर लेंगे। कौन सा कलर लेंगे? यस, ग्रीन कलर। तो आपको यहाँ सब में देखो, मैं दिखा तू, इस तरह से आपको ग्रीन कलर करना है, बीच में नहीं करना है बच्चों। अच्छे से आपको सब फेदर्स में ग्रीन कलर करना है। कौन से कलर करना है? ग्रीन कलर। और इसमें ब्लू कलर करना है। कौन सा कलर करना है? ब्लू कलर। इस तरह से बच्चों आपको यहाँ सब में ग्रीन कलर और ब्लू कलर करना है। अब हम ये बुक क्लोज करेंगे। अब हम इंग्लिश क्लास वर्क बुक लेंगे। कौन सी बुक लेंगे? इंग्लिश क्लास वर्क बुक। किड्स देखो, मैंने क्लास वर्क बुक ले ली है। आपने ले ली? यस, इंग्लिश क्लास वर्क बुक। टर्न योर पेज। यहाँ पर पहले आज की डेट लिखो और मम्मी को बोलना इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करके दे, और यहाँ पर एम 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 लिख के दे, और यहाँ सब में आपको एम फॉर मंकी, एम फॉर मैंगो, ये सब बोल बोल के लिखना है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। एम फॉर मंकी, एम for monkey, M for monkey। इस तरह से बच्चों आपको यहाँ सब में M for monkey, M for mango, ये सब बोल बोल कर लिखना है। अब हम ये क्लास वर्क बुक क्लोज करेंगे। अब हम होमवर्क बुक लेंगे। कौन सी बुक लेंगे?
इंग्लिश होमवर्क बुक, टर्न योर पेज। यहाँ पर पहले आज की डेट लिखो, उसमें भी हम एम फॉर मंकी, एम फॉर मैंगो, एम फॉर मग, उसमें भी हम एम लिखेंगे। मम्मी को बोलना इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करके दे और एम 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 लिख के दे, और आपको यहाँ सब में एम लिखना है। ओके किड्स, अब हम ये बुक क्लोज करेंगे। आज हम वन न्यू क्राफ्ट एक्टिविटी करेंगे। आपको करनी है ना क्राफ्ट एक्टिविटी? यस। ए तो उसके लिए आपको स्क्रैप बुक लेनी है, पेज ओपन करना है और ये पेज निकालना है। ओके, यहाँ पे ऊपर आपको आज की डेट लिखनी है। बच्चों, आपको पता है आज हम कौन सी एक्टिविटी करने वाले हैं? हम हल्दी वाली एक्टिविटी करने वाले हैं। घर पे हल्दी होगी तो आज हम इससे एक एक्टिविटी करने वाले हैं। ओके, तो आपको इस एक्टिविटी के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, उसके लिए आपको पहले ये हल्दी लेनी है, फिर ग्लू लेना है, एक सीजर, पेंसिल और ये येलो कलर भी लेना है, और एक वाइट पेपर लेना है। ओके, ये जो वाइट पेपर है उसकी साइज आपको 17 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर लेनी है। ओके, अब आपने जो वाइट पेपर लिया है उसमें इतना छोटा सर्कल बनाना है। ओके, ये जो सर्कल बनाया है हमें उसमें क्या बनाना है आपको पता है? सन। सन कौन से कलर का होता है? येलो कलर। तो हम आज हल्दी की मदद से सन बनाएंगे। ओके, तो उससे पहले आपको ये जो सर्कल बनाया है उसको येलो कलर की मदद से बॉर्डर बनानी है। तो आप देखो, इसी तरह आपको भी बॉर्डर करनी है। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको येलो कलर से बॉर्डर बनानी है। ओके, देखो आपने बॉर्डर बना दी है किड्स। ये जो बॉर्डर हो जाए उसके बाद आपको ग्लू की मदद से इस पेपर को स्टिक करना है। देखो बच्चों, तो मैंने ये पेपर स्टिक कर दिया है। आपको ध्यान रखना है, जब आप ये पेपर स्टिक कर रहे हो तब सभी साइड सेम स्पेस रहनी चाहिए। ओके, अब क्या करना है, आपने ये जो हल्दी ली है उसमें पानी डालना है, और याद रखना है कि आपको थिक पेस्ट बनाना है। ओके, आप ज़्यादा पानी डालोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम इसमें पानी डालकर हमारे थंब को उसमें डिप करके यहाँ पर थंब की इम्प्रेशन बनाने वाले हैं। तो जब हम ये कर रहे होंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हमें थोड़ा पानी डालना है और पेस्ट को ठीक रखना है। ओके, तो देखो बच्चों, मैंने ये हल्दी में पानी डाल दिया है। अब आपको क्या करना है, आपने ये जो सर्कल बनाया है उसमें हम हमारे थंब की इम्प्रेशन करेंगे। ओके, तो आपको मैं जैसे कर रही हूँ वैसे ही करना है। इस तरह आपको हल्दी में थंब को डिप करना है और यहाँ पे थंब की इम्प्रेशन बनानी है। इसी तरह आपको पूरे सर्कल में आपके थंब की इम्प्रेशन करनी है। देखो हो गया है। अभी हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर सन स्ट्रोक बनाने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए आपको फिर से थंब को डीप करना है
और यहाँ पर थंब की इम्प्रेशन बनानी है। सन कौन से कलर का होता है? यस, येलो कलर का होता है ना, इसीलिए हम आज हल्दी की मदद से सन बनाने वाले हैं। इसी तरह आपको थंब की इम्प्रेशन बनानी है। ओके, आप इस एक्टिविटी में अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हो। तो देखो बच्चों, हमारा सन रेडी है। इसी तरह आपको भी ये एक्टिविटी घर पे अच्छे से करनी है। ओके, आपको भी इस एक्टिविटी में बहुत मजा आएगा। किड्स, आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन। बच्चों, क्या आप दीवार पे लिखते हो? यस, यह तो बहुत बुरी आदत है। हमें दीवार पे लिखकर दीवार गंदी नहीं करनी है। अगर हमें कुछ लिखना है तो हमें बुक में लिखना चाहिए। हमें अपने घर की दीवार साफ सुथरी रखनी चाहिए। बाय बाय किड्स।